तेजस्वी प्रकाश के एक इंटरव्यू ने बवाल मचा दिया है। तेजस्वी प्रकाश के एक रीसेंट इंटरव्यू में देखिए बहुत कुछ बातें, बहुत कुछ खुलासे, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आई हैं जो पहली बार तेजस्वी ने किसी प्लेटफॉर्म पर आकर बोला है। बहुत सारे सीक्रेट्स उनकी लाइफ के, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो देखिए बहुत खुलकर बेबाकी से अपनी राय रखी है तेजस्वी ने। व्हाट दे सेड नाम के एक शो में जो कि यूट्यूब पर रिलीज़ हुआ है, आपको बता दूँ उनका इंटरव्यू, उसमें बहुत सारी बातें तेजस्वी प्रकाश ने कही हैं। आपको बताता हूँ कि क्या कुछ कहा है। करण कुंद्रा को लेकर भी उन्होंने कहा है, अपने रिलेशनशिप को लेकर भी उन्होंने कहा है। इसके अलावा उनका बचपन कैसा बीता, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल फेस किया, किस तरीके से उनके इक्वेशंस रहे फ्रेंड्स के साथ, और कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती थी, वो सब तेजस्वी ने इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में एक बात की है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तेजस्वी प्रकाश ने इस इंटरव्यू में खुलकर अपनी राय रखी है। देखिए सबसे पहले उनके बचपन की जब बात आई कि चाइल्डहुड उनका कैसा था, तो देखिए उन्होंने बताया कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो बहुत एक ऐसे बैकग्राउंड से आते थे जो बहुत ही ज़्यादा रिच थे, लेकिन वहीं हम उतने ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते थे चीज़ें। तो मैं बचपन में कपड़े जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुझे कपड़े काम चलाओ मिल जाते थे पहनने के लिए, जबकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनते थे, लेकिन मुझे कभी वो मिल नहीं पाया। और अब जब मैं कपड़े खरीद सकती हूँ आराम से, अब जब मेरे पास इतने पैसे हैं, जब मैं कपड़े खरीदने लायक हूँ, तब मुझे अच्छा नहीं लगता है कपड़े खरीदना। मतलब आई डोंट फील लाइक बाइंग क्लोथ मच, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास दुनिया की सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं। मेरे पास मेरे माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है, मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उन्होंने कहा कि मेरे रिलेशनशिप्स मेरे साथ हैं और वही मैटर करता है लाइफ में। कपड़े मैटर नहीं करते हैं, कोई भी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। जब तक आपके पास आपके माँ बाप हैं, तो दुनिया के बेस्ट माँ बाप हैं, तो देखिए तब तक आपको कोई भी ऐसी फील नहीं होती चीज़ कि कोई भी ऐसा आपको लगे कि आपके पास कुछ कमी है या फिर आपके पास कुछ और होना चाहिए था। तो ये सब बातों के अलावा उन्होंने अपनी इक्वेशन अपने भाई के साथ बताई। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने भाई की पेरेंट थी, मैं तो अपने भाई की मतलब मम्मी थी, और सब लोग जो है ना वो मतलब 100 बार सोचते थे मेरे भाई को छेड़ने से पहले या मेरे भाई को बुली करने से पहले कि वो तेजू को बता देगा तो फिर तेजू जो है वो सबके जो सबकी बैंड बजा देगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जो है वो मतलब जितने भी चीज़ें मैंने भाई मेरा भाई कर रहा है अभी अपने करियर में, या फिर अभी जितने भी चीज़ें कर रहा है वो, दैट्स बिकॉज मैंने उसके लिए वो सब चीज़ें डिसाइड की हैं, क्योंकि मैं उसकी पेरेंट थी, मैं ही उसकी माँ थी। और उसके फ्रेंड्स को अगर उसको बाहर कहीं ले जाना होता था तो वो मुझसे पूछते थे पहले कि क्या हम उसको ले जाएं। तो ये सब बातों के अलावा उन्होंने इस इंटरव्यू में, मैं आपको बता दूँ, एक ऐसा इंसिडेंट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने जिन्होंने अपने एम्बेरसिंग मोमेंट्स को भी सामने रखा इस इंटरव्यू में, कि कैसे वो एक इवेंट में, कैसे वो एक कंपटीशन में, बेसिकली कैसे उन्होंने एक क्वेश्चन को, क्वेश्चन के एक इंग्लिश वर्ड का मतलब भी नहीं जानती थी हिंदी, कि उसके हिंदी में क्या मतलब है, और उन्होंने विदाउट एनी थिंकिंग उसको जवाब दे दिया, और कैसे उन पर लोग जो हैं वो एकदम हंसने लगे थे क्योंकि उन्होंने इंग्लिश वर्ड की भी समझा नहीं था कि इंग्लिश वर्ड क्या होता है। इसके अलावा उन्होंने कहा मैं एकेडमिक्स में इतनी अच्छी नहीं थी, हालांकि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे, बट मेरा भाई बहुत अच्छा था एकेडमिक्स में, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे इंजीनियरिंग में, मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर ली 4 साल। और इसके अलावा उन्होंने अपने रिलेशनशिप्स को लेकर बात की। उन्होंने कहा मुझे ब्रेकअप्स बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही अपना ना ही किसी और का। जब मेरा ब्रेकअप होता है तो मैं किसी एक शेल में चली जाती हूँ, और एक ऐसी शेल में चली जाती हूँ जहाँ पर वापस लौटना जहाँ से बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा उन्होंने करण को लेकर बात की कि हम एक रियलिटी शो पर मिले थे, लेकिन अगर वो ऐसे होता कि इंडस्ट्री से नहीं होते तो वो कभी भी पब्लिक नहीं करती अपने रिलेशनशिप को। सवाल एक्चुअली पब्लिक करने का था रिलेशनशिप की, क्या आप कभी पब्लिक करना चाहोगे रिलेशनशिप, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इंडस्ट्री से ही हैं करण, तो हमारा पब्लिक हो गया अपने आप ही, क्योंकि हम बिग बॉस में मिले थे तो पब्लिक ही हो गया, लेकिन अगर मेरे हाथ में होता तो मैं कभी अपने रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करती, मुझे नहीं फील होता कि उसको पब्लिक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि दुनिया में किसी
किसी का भी ब्रेकअप हो, किसी का भी ब्रेकअप हो, सब लव में होने चाहिए, सब प्यार में होने चाहिए। देखिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस वीडियो में, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। आप भी जाइए और इंटरव्यू देखिए। और बहरहाल इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।